नमस्कार, मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ टीचर्स ऑफ बिहार के इस यूनिक प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है स्कूल ऑन मोबाइल। जी हाँ, स्कूल ऑन मोबाइल। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लेकर आए हैं बच्चों के लिए कैचअप कोर्स। और मैं सबको गुड आफ्टरनून, वेलकम, स्वागतम करती हूँ। और सभी बच्चे जुड़ेंगे और इस सेशन का लाभ उठाएंगे। और मैं क्लास 8 के लिए कैचअप कोर्स के अंतर्गत साइंस सब्जेक्ट विज्ञान के लिए जंतुओं में पोषण लेकर आई हूँ। जंतुओं में पोषण यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा कि पोषण कैसे होता है और पोषण की कई अवस्थाएं होती है जिसको जाना। और पोषण में हमने पाचन कैसे होता है, भोजन का अवशोषण, अंतर्ग्रहण, स्वांगीकरण, निष्क्रमण, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। लेकिन हमारा जो पोषण, भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है, वहीं से हमारा पाचन शुरू होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे पहला भाग जो है वो मुख गुहिका या फिर माउथ या माउथ कैविटी, इस तरह से उसको बोल सकते हैं। लेकिन जब हम मुख गुहिका की बात करते हैं तो उसमें हमारे दांत आते हैं, हमारे जीभ और तीन जोड़ी लार ग्रंथियां आती है जो कि ठोस अवयवों को तोड़ने का काम दांत करते हैं। और उसमें लार ग्रंथियां लार छोड़ती है जिसके कारण वो घुलने लगते हैं और फिर फूड पाइप की तरफ अग्रसर होते हैं। तो इस सेशन में हम देखेंगे कि मुख एवं मुख गुहिका जो है उसका क्या काम है और ये कैसे भोजन के पाचन में सहायक होती हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे कि मुख गुहिका माउथ या बकल कैविटी इसको कह सकते हैं। मुख गुहिका के अंदर दांत, जीभ और लार ग्रंथियां होती हैं जो कि भोजन के पाचन में बहुत ही सहायक होती है। और भोजन का पाचन जैसा कि हम जानते हैं मुंह से ही शुरू हो जाता है, जिसमें कि मुंह में उपस्थित लार जो होते हैं एंजाइम्स छोड़ते हैं जिनको कि एमाइलेज भी कहते हैं, और उनकी सहायता से पाचन शुरू हो जाता है जो कि मांड को स्टार्च में, यानी मांड को स्टार्च को शर्करा यानी कि ग्लूकोज में बदल देता है। और आइए हम समझते हैं दांत को। हमारे जो दांत होते हैं उनके क्या काम है और क्या प्रकार है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि कृंतक इंसिडस जो होते हैं काटने का काम करते हैं, और फिर उसके बगल में जो दो दांत होते हैं उनको रदनक कहते हैं जो कि फाड़ने का काम करते हैं। उसके बाद अग्रचवर्णक यानी कि प्रीमोलर्स जो होते हैं पीसने और चबाने का काम करते हैं। और उसके बाद दो और जो होते हैं चवर्णक कहलाते हैं यानी कि मोलर्स, जो कि अग्रचवर्णक के द्वारा पिसे हुए भोज्य पदार्थ जो अगर थोड़े और मोटे रह जाते हैं तो उनको और महीन करते हैं और उसको फिर पीस के ग्रास नली की ओर उनको भेज देते हैं। और इस तरह हमारा जो है माउथ काम करता है। मैंने एक बनाया है माउथ का, तो आप देखेंगे इसको ये क्या है। और इस माउथ का जो है वो ये जो है देखिए, ये दो दांत जो हमारे सामने के दांत होते हैं वो इंसिडस यानी कि कृतन कहलाते हैं जो कि हमारे द्वारा खाए गए ठोस अवयवों को काटने का काम करते हैं। उसके बाद यहाँ दो दांत होते हैं बगल में
वो एनिसर्स यानी कि रदनक कहलाते हैं, जो कि उनको फाड़ते हैं। थोड़े नुकीले होते हैं, जब आप उस दांत को छुओगे तो वो थोड़े नुकीले दांत होते हैं। और उसके बाद हमारे दो दांत आते हैं यहाँ पे, जहाँ से शुरू होता है ये चौड़ा चौड़ा दांत, उसको अग्र चवर्णक कहते हैं। तो अग्र चवर्णक का क्या काम होता है कि ये बीच वाला जो दो दांत है उसने तो काट दिया, फिर उसने फाड़ दिया, ये दोनों उसको पीसना शुरू करते हैं। लार की सहायता से उसको पीसना शुरू करते हैं और पीसते हैं। उसके बाद वो यहाँ आता है, ये मोलर यानी कि चवर्णक के पास आता है। और ये चवर्णक जो बचे हुए, उसमें जो बचे हुए होते हैं पदार्थ, जो मोटे रह जाते हैं हमारे भोज्य पदार्थ, तो उनको ये और पीस देते हैं और बिल्कुल ही महीन कर देते हैं और फिर नली की ओर, फूड पाइप की ओर चले जाते हैं ये खाने। उसके बाद हम आते हैं मुख। मुख का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है जीभ। जी हाँ, जीभ। मैंने कोशिश की है जीभ का चित्र बनाने की, तो आप देखेंगे ये इस तरह का जीभ हमारा होता है जनरली। तो उस जीभ में स्वाद कलिकाएं होती हैं, बर्ड्स होते हैं, ये छोटे 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 जो दिख रहे हैं ये बर्ड्स होते हैं, जो कि हमें स्वाद का अनुभव करवाते हैं। तो यहाँ जो है, यहाँ ठीक सामने पे स्वीट यानी कि मीठा, मीठे के लिए ये कलिकाएं होती हैं, और ये बगल में इनके दोनों तरफ सॉल्टी यानी कि नमकीन, और उसके थोड़ा सा आगे सोर यानी कि खट्टा, ठीक है, खट्टा या तीखा जो कहिए। फिर यहाँ पे भी ये स्वाद कलिकाएं होती है, और छोटी छोटी ये जो बर्ड्स होती हैं ये तो पूरे जीव में हमारे फैले होती है, जो कि आपको स्वाद का अनुभव करवाती हैं। तो इस तरह ये हमारे जीव की बनावट होती है, जो कि हमें स्वाद महसूस करवाती है। अगर आप खट्टा मीठा कुछ भी खाते हो तो इन जीव की कलिकाओं के द्वारा ही उन स्वादों का अनुभव हमें कराया जाता है कि हाँ अभी हम मीठा खा रहे हैं या फिर हम खट्टा खा रहे हैं या तीखा खा रहे हैं। तो इस तरह जीभ का जो होता है यार, बहुत ही वो होता है कि उसको, और दांतों, दांत में भी हम देखते हैं कि हमारे दांत दो प्रकार के होते हैं, दूध का दांत और एक अस्थायी दांत। जब बच्चे छोटे होते हैं तो उसको दूध का दांत कहते हैं।